मटरू बेटा स्वेटर पहन लो, बहुत ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे स्वेटर नहीं पहनना, मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों आ गया गप्पी कंबल वाला जादूगर। गप्पी ये इतने सारे कपड़े तुम्हें देखकर तो बहुत हंसी आ रही है। मटरू मेरी दोस्त, तुम्हें शायद सर्दी का मौसम पसंद ना हो, लेकिन मेरा तो ये पसंदीदा मौसम है। रंग बिरंगे स्वेटर, गाजर का हलवा, सरसों का साग, मक्के की रोटी, वाह वाह, सोच के मुंह में पानी आ गया। और तुम्हें पता है बच्चों, कुछ जगहों पर तो सर्दियों में बर्फ भी गिरती है। बर्फ के गोले बनाकर खेलने में बहुत मजा भी आता है। मुझे ये समझ नहीं आता ये सर्दी का मौसम आता ही क्यों है। गर्मी का मौसम कितना अच्छा होता है, हम दिन भर पार्क में खेल सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, और ये स्वेटर पहनने की भी कोई जरूरत नहीं होती। देखो देखो गप्पी कंबल वाले की जादूगरी देखो, जैसे ही मैं इस कंबल को मुझ पर लपेटूंगा तो मैं एक नया मौसम दिखाई देगा। मटरू तुम्हें याद है बारिश के मौसम में तुम और गप्पी छोटी छोटी नाव बनाकर कितना खेलते हो, और फिर तुम दोनों गर्मा गर्म पकौड़े और गर्म हल्दी वाला दूध पीकर कितना खुश होते हो। हाँ मम्मी। देखो देखो गप्पी कंबल वाले की जादूगरी देखो, अब आया पतझड़ का मौसम। हाँ, पतझड़ में सूखे पत्ते और फूल इकट्ठा करने में बहुत मजा आता है। मटरू मेरी दोस्त, सभी मौसम का है खास काम, जल्दी स्वेटर पहनो और करो सर्दियों को प्रणाम। जल्दी चलो, हमें बाकी दोस्तों के साथ खेलना भी तो है। हाँ गप्पी, तुम सही कह रहे हो, ये सारे मौसम ना होते तो हमारी लाइफ कितनी बोरिंग होती। चलो मैं तैयार हूँ तुम्हें हराने के लिए। दोस्तों उम्मीद है हमारी तरह आप भी समझ गए होंगे कि हर मौसम खास होता है। जैसे मुझे सर्दियाँ पसंद है, आपको कौन सा मौसम पसंद है और आपको उस मौसम में क्या क्या करना पसंद है, इस बारे में सोचिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।